हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणुका। आज मैं बर्नेट मशीन में बटन होल कैसे करते हैं बताने वाली हूँ। बटन होल के लिए ये फुट दिया गया है, इसी से हमें बटन लगानी है। चलो स्टार्ट करते हैं बटन होल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ये फुट को इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है और हमें डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे तीन बटन होल के स्टिचेस दिए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, इस तरीके से इसे नंबर दिया गया है। ये फर्स्ट स्टेप में बटन होल होता है। फर्स्ट स्टेप में कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक नंबर पे सिलेक्ट करना है और स्टिच लेंथ 1 और 0 के बीच में रखना है। एक नंबर पे हमें थोड़ा सा स्टिच करना है, ज़्यादा नहीं, बस। अभी नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टिच करेंगे। आपको जो साइज़ का बटन होल चाहिए, यहाँ पे मार्किंग दिया गया है, उसी साइज़ का आप बटन होल कर सकते हो। अभी नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा स्टिच करेंगे, फिर नंबर 4, फिर स्टिच करेंगे। हमारा बटन होल बनकर रेडी है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए हमारा बटन होल कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। अब मैं इसे कटिंग कैसे करना है बताती हूँ। ये ओपनर दिया है, स्टिच ओपनर बोलते हैं इसे। इसे इस तरीके से पकड़ना है और इसके अंदर इस तरीके से आगे खींचना रहेगा। एकदम आराम से खींचना है, नहीं तो कपड़ा आगे कट सकता है। ये देखो हमारा बटन होल बनकर रेडी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।